हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत, प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है उखीमठ मार्केट से। तो अभी हम उखीमठ मार्केट में, और ये रही मार्केट, और जो टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं, और हम निकलने वाले हैं अब चौकता के लिए। क्योंकि सुबह मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम जल्दबाजी में निकले थे, यहाँ थोड़ी गाड़ियों की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए टाइम टाइम की सारी गाड़ियाँ जाती है। तो अभी हम टैक्सी स्टैंड में खड़े, और ये हमने टैक्सी भी पकड़ ली है, बस टाइम है तो भरने का। उसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ मंदिर। तो पहले हमारी जो मेन यहाँ से दूरी होने वाली है लगभग 30-40 किलोमीटर की होने वाली है, जो कि है चौकता मार्केट, और फिर वहाँ से हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो चलो चलते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। बिना किसी देरी के निकलते हैं, जब गाड़ी भर जाएगी फिर आपको बताएंगे। फिलहाल हम भी वेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कैसे तुंगनाथ के नज़ारे मिलने वाले। दोस्तों, हमारा ट्रैक भी शुरू हो चुका है और हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। यहाँ पे घोड़ा भी ले सकते हैं हम, शायद से इसका 1000-2000 ऊपर 3-4 किलोमीटर के लेते हैं। और ये स्टार्ट है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, और रूम भी काफ़ी महंगे दे रहे हैं क्योंकि आज रश बहुत है, उस वजह से भीड़ लगी है, और इसी भीड़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें जो एक रूम का इन्होंने पैसे बताए वो बताए 3000 रुपये, तो समझ सकते हो। और जब मैं पिछली बार आया था उस टाइम 1000-1500 में ये वही रूम था, बट अब इन्होंने डबल कर दिया, तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। चलो भी, अब हम लोग चलते ऊपर, देखते हैं बीच में कहीं अगर रुकने का हुआ तो बैग रख देंगे, दर्शन अभी करेंगे। अभी हम मुश्किल से 1 किलोमीटर आए होंगे, बुरे हाल हो गए क्योंकि ठंडी हवाएं ना जो चलते हुए पूरे गले तक जा रही है, जिसकी वजह से खांसी लग रही। ऊपर देखिए बादल आ चुके हैं पूरे रास्ते में, यहाँ पे रुके हम जहाँ पे थोड़े बुग्याल जैसे दिख रहे हैं सामने भी। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है, आराम आराम से चल ही रहे हैं। हमने तो टारगेट दे रखा है कि हमें अभी थोड़ा ऊपर दर्शन करके फिर नीचे भी आना है, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है, जैसे ही माहौल रहेगा फिर उसी हिसाब से रहेंगे, नहीं तो आज यहीं रुकेंगे। फिर जैसे नज़ारा दिख रहे हैं ऊपर से, इसकी हालत डाउन हो चुकी है। आज इतनी गंदी भीड़ है ना, कहीं पे भी कोई भी कोना खाली नहीं मिलेगा, जहाँ देखो भीड़ ही। नीचे भी जब हम आ रहे थे तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, तो सारे यात्री यहीं घुसे हुए। यहाँ देखिए रास्ते, पूरे रास्ते भरे हुए। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिस वजह से हम शॉर्टकट ले रहे हैं, लेकिन जिस चढ़ाई को रोकने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं वो शॉर्टकट और ज़्यादा चढ़ाई वाले। ये देखिए वहाँ से आ रहे हैं हम नीचे से इतने, और अभी यहाँ जाने हमने जहाँ पे इंसान खड़े दिख रहे हैं, तो समझ सकते हो हम शॉर्टकट नहीं है, अपनी आफत निकाल लें। तो हमें यहाँ से पूरे उस पहाड़ी से घूम के आना पड़ना था यहाँ पर, बट चलो पहुँच ही चुके हैं, अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। दोस्तों, तो हम मतलब 2:30 बजे निकले थे शायद से, और 3:25 हो चुके हैं, 1 घंटे में हम इतना पहुंच चुके हैं मतलब कि मंदिर हमें दिखने लग गया है। आपको एक झलक मंदिर की दिखा दें, वो सामने ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसी के जस्ट पीछे मंदिर, और यहाँ के व्यू देख सकते हो आप,
दूसरा कि यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही जिसकी वजह से अब देखिए चारों तरफ काले आसमान हो गया, काले बादल दिख रहे हैं बस। और यहाँ पे छोटा सा एक होम स्टे और रेस्टोरेंट बना रखा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, जुकाम हो गया ना इस वजह से, थोड़ा तबीयत ढीली चल रही खांसी जुकाम की वजह से। अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ नहीं होती, मैं भी नहीं गया स्वर्ग लेकिन किताबों में ऐसे दिखाया जाता है जैसे दिख रहा है रास्ता ऐसा 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 करके फिर हमें यहाँ से यू टर्न लेके तब जाके हम मंदिर पहुँचेंगे। और इसके जस्ट सामने है चंद्रशिला, तो ये तो कह रहा था कि हम पहुँच पाएंगे ऊपर, लेकिन वही मैं पहले का आ रखा हूँ इधर, तो मुझे पता था कि रास्ता कौन कौन सा काफ़ी कैसा है, तो उतना थकान नहीं लगती। लेकिन अगर मैं पहली बार रहता तो उम्मीद में रहता इंसान की कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। चलो पहुँच ही चुके हैं, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और होगा उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। पहुँच चुके हैं, ये जो आपको पीक दिख रही है ये टॉप वाली है चंद्रशिला और ये तुंगनाथ। और वहाँ देखिए सामने यहाँ स्नोफॉल हो गया, अभी वहीं की ठंडी हवा इधर आ रही है। वहाँ पर कान ऐसे सुन पड़ गए हमारे ठंड से, ऊपर जाके यहाँ से जाके पहननी पड़ेगी, तो कान ऐसे ठंडे हो गए बहुत ज़्यादा। दोस्तों आखिरकार हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, अब 5 बजने वाले हैं, 5 बजे शायद मंदिर बंद हो जाता है, इसीलिए वो भी कुछ सत्संग दे रखी, जल्दी आओ दर्शन करो अपनी मेहनत का फल लो। जहाँ आने के लिए हमने इतना 1 घंटे में अपना ट्रैक पूरा किया सोचो, तो इसीलिए बिना किसी देर के आज तो सही में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं भी कोना खाली नहीं है। यहाँ भी देखिए फोटो शूट उठ के बात करेंगे, पहले तो मंदिर चलते। अरे मैं बोसी नहीं पर तो भी पहले जूते खोलते हैं उसके बाद दर्शन करते हैं। जितना भी देख रहे हैं कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है, हमें भी यहीं पर लगना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, यहाँ से पूरा लंबी भीड़ लगी हुई है। सही में आज बहुत ज़्यादा भीड़ हमने दर्शन कर लिए। मैं आपको ऐसी पीक पे ले जाने वाला हूँ जहाँ से पूरे नीचे दिखता है, फिलहाल मंदिर है पीछे और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और वो टॉप की पीक है जो चंद्रशिला है ऊपर 1 किलोमीटर यहाँ से। बट अब अभी हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ से और यहाँ से सेम ही नहीं जा रहे दिख रहे हैं, और वहाँ से दिखते सामने हिमालय की चोटी तो तब हम जा सकते थे, लेकिन इस टाइम पूरा कोहरा लगा उस साइड, तो बर्फ़ गिर रही है इसीलिए वहीं की ठंडी हवा हमारे हाथों और कानों को सुन कर रही है। सही में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, कान ऐसे ठंडे पड़ गए। चलो जैसा भी है यहाँ से देखिए असल लग रहा है हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ बंदर डरते भी नहीं है, इतनी हाइट पे आ गए। तो भाई जैसे हम अभी दर्शन करने के बाहर आए ना वैसे बारिश शुरू हो गई, यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना आप खुद देखिए, मतलब इतनी हाइट पे हाँ इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारे बाहर आते ओले शुरू हो गए, बारिश भी और ओले भी दोनों मिक्स हो गए, ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, कान सुन हो गए। पहले चाय पीते हैं। ये था मंदिर तुंगनाथ जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पे सबसे ऊंचाई पे बना जो शिव मंदिर है वो यही है। आज हम यहाँ के दर्शन किए, वैसे हम ऊपर चंद्रशिला जा सकते थे बट नहीं गए क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा है, वहाँ जाके हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि वहाँ से नज़ारे कम मिलेंगे, और भगवान के दर्शन करने थे यहीं तुंगनाथ कर लिए है? कोई चीज़ मैंने ब्लॉग में तो नहीं बताई बट इंस्टा स्टोरी में बताई कि आज साल का भी हो रहा है क्योंकि तो देखो बारिश भी हो रही है और धूप भी लगी है, साफ को रखा मौसम। और उस चोटी में देखिए अभी स्नोफॉल हो रही है सामने, कितने मस्त नज़ारे दिख रहे हैं। धूप आने के बाद ना थोड़ा हमारी जो ठंड थी वो थोड़ा कम हो गई, ये तो ऊपर आते टाइम तो इतनी ठंड लग रही थी, नीचे जाते टाइम दूसरा हमें पता नहीं चलने वाला कि हम कब पहुँचेंगे क्योंकि ढलान में हमें आदत है चलने की, चढ़ाई में भी है बट बहुत टाइम बाद इतना ऊंचा ट्रैक किया तो इस वजह से हमें टाइम लग गया। बाकी चलो चलते नीचे, पहले रूम ढूंढते हैं देखते हैं कहीं रूम मिलता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि रूम ही ना मिले। चलो
ये पीछे तुंगनाथ भगवान जी को बाय बाय बोलते हुए, मैं तो दूसरी बार आया, मेरी भैजी पहली बार आया, तो जैसा भी है फाइनली ये ट्रैक भी हो ही चुका हमारा, तो अब चलते नीचे, आप लीजिए थोड़े नज़ारों के आने सामने की। तो देखिए हम चाय पीते पीते नीचे जा रहे हैं और हमने पी भी ली, अभी आते आते दो चाय पी ली तब जाके थोड़ा बॉडी में गर्मी आई, नहीं तो बहुत ठंडे पड़ गए थे। देखो अभी भी लोग ऊपर आ रहे हैं, तो हम तो जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। नीचे जाते टाइम ये कि पता नहीं चलेगा, जितना टाइम हमें ऊपर आने में लगे उससे आधा टाइम नीचे जाने में लगेगा, मतलब एक घंटा ऊपर आने में लगा तो आधा घंटा नीचे जाने। चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी उखी मठ, और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हम आज यहाँ पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो गाड़ियाँ हैं बहुत कम मिलती हैं, रेयर चांस होते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी रही कि हम अच्छे टाइम पर पहुँच गए। ये देखिए वो सामने जो मार्केट दिख रही है, आई थिंक मुझे पूरा प्रॉपर पता नहीं है, शायद से वो अगस्त में नहीं है, और इस साइड से जहाँ से हम आए अभी तो ये बीच बीच में गाँव पड़ते हैं, कुछ मार्केट है, और जहाँ पे अभी हम हैं ये है उखी मठ। तो आपको अपना रूम दिखाते हैं पहले, तो ये हमारा रूम जो कि हमने लिया है उखी मठ में, तो कुछ ऐसा रूम है, ये डबल बेड और टॉयलेट का कहते हैं, बस आज रात गुजारनी हमने, उसके बाद कल सुबह चले जाएंगे। तो अभी खाना खाएंगे फिर, अभी क्योंकि टाइम साथ ही है, हमने सोना ही है खाना ही है, तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं आगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।